शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है ना। ये परसेंटेज का पार्ट वन है। उस दिन मैं एक डेमो डाला था परसेंटेज का, मैं देखने जा रहा था कि पेपर मतलब किस टाइप से दिखता है करके। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने हो तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, कैसे बैठाएंगे बोलो। देखो, जबकि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब उसको पास होने के लिए चाहिए 40% अंक, तब वो पास होगा ना। और ये 40 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है ना। है ना, 40 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो इस प्रकार में एक टेक्निक है, अगर हम देखा जाए 40% अंक पाया, 40 अंकों से फेल हो गया, तो अगर इसको मैं निकालूंगा तो मैं इसको पास कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 40 से 80 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 40% बराबर 80। जब भी सेम होता है तो क्या निकलता है, टोटल निकलता है। 40/100 बराबर 80, 4 × 2 = 8, मतलब टोटल कितना आया, 200। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है इसको बनाने का, मैं शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं। देखो, जब भी आपके क्वेश्चन में सेम अंक तीन बार रिपीट हो, तो क्या करना है आपको, सेम अंक तीन बार रिपीट होगा तो देखो, दिख रहा है 40 40 40, ये सेम अंक तीन बार रिपीट होगा, इसका स्टैंडर्ड आंसर है आपका 200। आप चुपचाप इसका आंसर 200 लगाइए, आगे निकल जाइए। जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलता है, अगर आपके प्रश्न में सेम अंक तीन बार रिपीट होता है, तीन बार आता है, तो आप सीधा उसका आंसर 200 लगाइए, आगे निकल जाइए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, अप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि किसी संख्या का 50% में 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगा। देख रहे सेम क्वेश्चन है, 50 50 50 50 50 50, मतलब तीन बार 50 दिख गया तो आपका चुपचाप आंसर हो जाएगा 200। किसी भी बुक को फॉलो करते हो उस बुक में इसको अप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर 200 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या का 60% में 60 घटा देने पर 60 प्राप्त होता, संख्या क्या होगी। सेम अंक कितने बार मिला, तीन बार, इसका आंसर भी कितना होगा, 200। तो एक शॉर्टकट ट्रिक्स है ये, सवाल को ना बना के तुरंत देख के आप इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखते क्वेश्चन और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी लोग मेरे फेसबुक पेज को देख रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना है, मतलब टोटल नंबर पूछ रहा है। हम इसमें बनाएंगे एक स्थिति बनाएंगे, हम बनाएंगे पास बराबर पास। उत्तीर्ण होने के लिए उसको 40% अंक चाहिए थे, मतलब जो पास ऑफ परसेंटेज कितना है, 40% है। उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 170 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से वो फेल हो रहा है, उस 22 अंक को मैं दे दूंगा, क्या करूंगा, 22 अंक को दे दूंगा। जब सेम वर्ड आता है, सेम शब्द, तो क्या निकलता है, टोटल। सेम शब्द आता है तो क्या निकलता है आपका, टोटल। पास पास सेम शब्द है, यहां से क्या आएगा मेरा, टोटल, है ना, क्या आएगा मेरा, टोटल। कैसे आएगा, टोटल इज इक्वल टू 40/100 और ये हो जाएगा आपका, मतलब ये हो जाएगा आपका 200। ये 0 से 0 / 5 / 5 / 4 / 4 और 4 × 5 = 20। तो टोटल मेरा कितना प्रश्न, टोटल नंबर मतलब एग्जाम का नंबर कितना था, 500 था। क्या किया मैं, सेम शब्द लाने के लिए उसको पास करा दिया, सेम शब्द लाने के लिए उसको मैं पास करा दिया। कहने का मतलब देख लो, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाए और 22 अंकों से फेल हो गया, तो पास बराबर पास करूंगा मैं। 40% से पास हो रहा था उसको मैं पास करा दिया, 22 नंबर को जो फेल हो रहा था उसको देखे,
और जब भी सेम शब्द आता है क्या निकलता है टोटल, तो इसका आंसर ये हो गया। तो प्लीज जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिए हर ग्रुप में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।